नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, यानी कि आज है 24 जनवरी 2019 और 24 जनवरी 2019 से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ के साथ उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चाहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, हमारे करंट अफेयर का पहला जो क्वेश्चन आज का है, ये एक दो मैंने क्विज ली है, उसके बाद में करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, आपके बेसिक फैक्ट्स हैं कुछ। 120 साल बाद सिक्किम में छोटे वुड ब्राउन तितली को फिर से खोजा गया है, तो ये याद कर लीजिएगा। ये वुड ब्राउन तितली जो थी वो सबसे पहले 1887 में डे निकेवेल नामक एक वैज्ञानिक के ने खोजा था सिक्किम में, और अब 120 साल बाद दोबारा खोजा गया है। कहाँ पे? सिक्किम के खान जेंड चोंगा नेशनल पार्क में, ये भी आप याद रख लीजिएगा। और ये तितली जो है इसको लैथ निकेला के नाम से जाना जाता है, और इसके जो पंख होते हैं वो 50 मिलीमीटर तक के लंबे होते हैं। जो आपको फोटो में दिख रही है यही है आपकी सिक्किम की ये जो तितली है इसका नाम है वुड ब्राउन। अच्छा, सिक्किम की बात आई है तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है, और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है पीके चामलिंग, यानी कि पवन कुमार चामलिंग। यहाँ की जो राजधानी है वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, और यहाँ की जनसंख्या की दृष्टि से ये मैं बता देता हूँ, सबसे कम जनसंख्या भारत में सिक्किम राज्य की ही है। चलिएगा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति ने यूनिवर्सल ब्रदरहुड थ्रू योगा एक किताब लॉन्च की है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। ये आपको जो दिख रहे हैं बीच में आपके, ये हैं हमारे भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, और इन्होंने एक किताब लॉन्च की है जिसका नाम है यूनिवर्सल ब्रदरहुड थ्रू योगा। ये जो किताब है इसका संकलन भारतीय संस्कृत पीठम द्वारा किया गया है, तो वो भी आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा है आज का क्विज, यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारे क्वेश्चनों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राष्ट्रीय स्मारक स्थल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाए गए संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाए गए संग्रहालय का उद्घाटन किया है लाल किले में, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका डी जो ऑप्शन है वो सही होगा, लाल किले में। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, और इनकी अभी हाल ही में 122वीं जयंती थी, और 122वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अच्छा, लाल किले से बात आई है तो ये है लाल किला, ये शाहजहां ने बनाया था, इतना याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से जुड़ी चीज़ों को प्रदर्शित किया जाएगा इस संग्रहालय में। चलिएगा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 11.3% की दर के साथ वित्त वर्ष 2017-18 में राज्यों के विकास दर के मामले में सबसे टॉप पे रहा है? तो ये जो टॉप पे रहा है वो है आपका राज्य बिहार, यानी कि इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है आपका वो सही है, बिहार राज्य है वो नंबर वन पे रहा है क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार। बेसिकली इसको ये कह सकते हैं GSDP की रिपोर्ट है ये, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखिएगा आप लोग, और इसमें बिहार नंबर वन पे है। आंध्र प्रदेश जो है आपका, आंध्र प्रदेश नंबर दो पे है, और एक राज्य है गुजरात, गुजरात जो है वो आपका नंबर तीन पे है, इतना आप याद रखिएगा इसके बारे में। अच्छा, ये बिहार की बात आई है तो मैप में देखिएगा, ये है बिहार, बिहार के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है नीतीश कुमार, बिहार के जो राज्यपाल हैं वो लालजी टंडन है। बिहार आपको ये पूरा मैप में दिख रहा होगा, लोकेशन यहाँ पे है। अच्छा, बिहार का दुख है एक नदी जिसका नाम है कोसी नदी, वो भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है UNCCD, ठीक है, UNCCD मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभी समय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 14वें स्तर का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा?
तो अभी हाल ही में UNCCD का जो 14वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा वो हमारे देश भारत में ही किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है हमारा वो है आपका सही, सी ऑप्शन सही है, भारत देश में ही किया जाएगा। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि मरुस्थलीकरण तथा भूमि के निम्नीकरण के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ऐसा जो है ये सत्र या ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अच्छा, UNCCD की बात आई है तो ये देखिएगा आप लोग, UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट है इसकी जो है वो फुल फॉर्म है। और इसके जो पार्टीज़ हैं मेंबर वो है 197, ये याद रखिएगा आप लोग थोड़ा सा। और इसकी लोकेशन है पेरिस फ्रांस में, वो भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, पेरिस फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इतना याद रखिएगा। और फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन, जो दुनिया में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति है। और फ्रांस की जो करेंसी है वो है यूरो। चलिए, इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिल जाती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वह है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार न्यायिक अधिकारी पद के लिए सुनवाई और देखने में अयोग्यता की वैध सीमा कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित की गई है 50%। यानी कि इस क्वेश्चन का आपका बी जो ऑप्शन है वो सही है, 50% निर्धारित की है सुप्रीम कोर्ट ने। हाल ही में न्यायिक अधिकारी पद के लिए विकलांगता संबंधी एक याचिका दायर की गई थी और जिसमें यही फैसला सुनाया गया था कि सुनने और दिखाई देने की अयोग्यता है वो वैध सीमा 50% है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में की बात आई है तो आप एक बात याद रखिएगा, जो हमारा ये सुप्रीम कोर्ट है ये अनुच्छेद किस से किस तक आते हैं? तो 124 से लेके 124 में आप 23 जोड़ दो, ठीक है, 23 अनुच्छेद हैं टोटल, याद रखना 124 से स्टार्ट होते हैं, 23 प्लस कर दो। ऐसे ही हाई कोर्ट का फंडा है, हाई कोर्ट में 214 में 23 जोड़ दो, ठीक है, इतने अनुच्छेद आते हैं आपके हाई कोर्ट के। वर्तमान में भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम है रंजन गोगोई, वो भी आप याद रखिएगा, रंजन गोगोई जो है वो भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिएगा, इतना आपको इसी क्वेश्चन से जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित किस वैज्ञानिक को हाल ही में प्रथम शेख शोध अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये पहली बार चुना गया है TN चंद्रशेखरन को। यानी कि इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है आपका सही है, जब बी ऑप्शन सही है, ये आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है TN चंद्रशेखरन, और इन्हीं को ही, सॉरी माफ करना, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, TN चंद्रशेखरन नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है CNR राव। ए जो ऑप्शन है आपका वो सही है, ये नहीं है, ठीक है, CNR राव। और ये जो आपको फोटो में दिख रही है यही है CNR राव, और इन्हीं को चुना गया है, भारत रत्न से सम्मानित भी हैं ये, याद रखिएगा। एक बात और बता दूँ, 2014 में इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था और इन्हीं को अभी हाल ही में चुना गया है संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात UAE की संस्था सेंटर फॉर एडवांस मटेरियल द्वारा इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। मटेरियल रिसर्च के लिए अवार्ड मिला है इन्हें, वो भी आप याद रखिएगा। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि मटेरियल रिसर्च के लिए हाल ही में किसे अवार्ड दिया गया है, तो याद रखिएगा CNR राव को, और जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है CNR राव। चलिए, इतनी जानकारी आप हमें इस क्वेश्चन से मिल जाती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रीय बैंक ने देश में 100 रुपये से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध लगाया है नेपाल ने। यानी कि इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है आपका सही है। बेसिकली ये घोषणा की है तो बहुत टाइम हो गया है, लेकिन अभी ये परमानेंट रोक लगा दी गई है 100 रुपये से ऊपर के नोट, यानी कि 200, 500 और 2000, ये जो नोट है इन नोटों के का प्रतिबंध लगा दिया है अभी हाल ही में नेपाल ने। अच्छा, नेपाल ने लगाया है तो मैप में देखिएगा, ये है नेपाल, नेपाल की राजधानी जो है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के जो राष्ट्रपति का नाम है वो है विद्या देवी भंडारी जो है नेपाल की राष्ट्रपति। नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है KP शर्मा ओली, और नेपाल की राजधानी तो होगी काठमांडू। नेपाल कभी किसी के गुलाम नहीं हुआ, वो भी आप याद रखिएगा, और
नेपाल जो है, नेपाल के अंदर सारक का हेड ऑफिस है, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसका झंडा जो है वो चौरस नहीं है, मतलब ऐसे समकोण आकार पे या बिल्कुल ऐसे रेक्टेंगल टाइप नहीं है, तो नेपाल है। आप देखिए थोड़ा ट्रेंगुलर टाइप से है ही। चलिएगा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फ्रांस और किस देश ने एक नई मैत्री संधि आहेन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसका उद्देश्य एक दूसरे का बचाव, दोनों देशों में मित्रता बढ़ाना और दोनों देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना है। तो ये जो समझौता किया है वो फ्रांस और उसके साथ में किया है जर्मनी ने, यानी कि क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है आपका वो सही है। फ्रांस और जर्मनी ने ऐसा समझौता किया है कि दोनों देशों के बीच में मित्रता बढ़ेगी और इस संधि का नाम है आहेन। अच्छा, जर्मनी की बात आई है तो ये मैप में देखिएगा, जर्मनी, जर्मनी की जो राजधानी है आपकी वो है बर्लिन, ठीक है, बर्लिन है ये कैपिटल में, और जर्मनी की जो करेंसी है वो है यूरो, ठीक है, यूरो, और इसके प्रेसिडेंट है उनका नाम है फ्रैंक वॉटलर, वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी फर्म वुड मैकजी की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल की मांग के मामले में निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2019 में चीन को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश बन सकता है। तो ये हमारा देश ही बन सकता है, यानी कि क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है आपका सही है, भारत देश है वो चीन के से को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश बन सकता है, 2019 में चीन को पीछे छोड़ सकता है। और इस मामले में नंबर वन जो है फिलहाल वो अमेरिका है, वो भी आप याद रखिएगा, नंबर वन पे अमेरिका है। अच्छा, अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है, अमेरिका की करेंसी जो है वो आपकी डॉलर है, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की करेंसी जो है रुपया, और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अच्छा, रामनाथ कोविंद भारत में किस नंबर के राष्ट्रपति हैं आप मुझे लिख के बताइएगा कमेंट में, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आपको पता है तो एक वीडियो को एक सेकेंड के लिए पॉज कीजिएगा, तुरंत कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज को ICC की फुल फॉर्म मैंने कल के वीडियो में बताई थी, आज दोबारा बता रहा हूँ, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और जो ये कमेटी है आपकी, इसका हेड ऑफिस जो है वो है दुबई में, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, इसके अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में उनका नाम है शशांक मनोहर, और इसके CEO का नाम है वर्तमान में डेविड रिचर्डसन, और जुलाई 2019 के बाद अभी नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है मनु सहानी, ठीक है, उसके जुलाई 2019 में इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ICC के पुरुष एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 के लिए किसे चुना गया है, तो ये जो चुना गया है ऋषभ पंत को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है आपका वो सही है, ऋषभ पंत को चुना गया है एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018। ये जो आपको दिख रहे हैं यही हैं ऋषभ पंत, और ये जो है पहाड़ी इलाके के हैं बेसिकली, और ये पहाड़ी इलाके मतलब उत्तराखंड एरियाज़ के हैं ये, और इन्हीं को चुना गया है ICC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। पिछले साल पंत इंग्लैंड में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर भी बने थे, इनका इतना भी आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के अनुसार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को दिए गए 10% आरक्षण में से कितने प्रतिशत राज्य के कापू जाति के लोगों को दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा कापू जाति को 5%, यानी कि इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है वो आपका सही है। कापू यहाँ की एक स्थानीय जाति है जिसको 10% जो आर्थिक आरक्षण अभी हाल ही में लागू किया गया था जिसमें से 5% कापू जाति को दिया जाएगा, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात आई है हमारी तो आंध्र प्रदेश से मैं बताता हूँ, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री की बात करें हम तो चंद्रबाबू नायडू है, और राज्यपाल ESL नरसिम्हा राव है। चलिए इतना हमें इस क्वेश्चन से सीखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है,
फ्लेमिंगो फेस्टिवल 7 जनवरी 2019 को भारतीय किस राज्य के सुल्लूरपेट मंडल में पुल्लिकट झील और नेलपट्टू में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है वो सही है। ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है वो 12 साल पुरानी एक परंपरा है यहाँ की, और इस तीन दिवसीय कार्यक्रम होगा, और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन यहाँ के कृषि मंत्री स्मेरी रेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी और नगर प्रशासन मंत्री पी नारायण, इन दोनों ने मिलकर किया है। इस फेस्टिवल का जो मुख्य आकर्षण होगा वो होगा साइबेरिया के रंगीन प्रवासी पक्षी, और जो घोंसले और प्रजनन के लिए क्षेत्र का दौरा करते हैं। आपको पता होगा साइबेरियन पक्षी जो हैं वो भारत में आते हैं ठंड के दिनों में, और उनका ग्रीन और प्रवासी पक्षियों का इस बार मुख्य आकर्षण रहेगा इसके अंदर, इतना आप याद रखिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है, वो है पुल्लिकट झील। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, पुल्लिकट झील किस राज्य में है? तो ये है आंध्र प्रदेश में के अंदर ही है। बेसिकली तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन दो राज्यों के बीच की झील है। ऐसे भी पूछा जा सकता है दो राज्यों के बीच की झील को क्या कहते हैं, तो पुल्लिकट झील। हाँ, इसका ज़्यादा हिस्सा जो आता है वो आंध्र प्रदेश के हिस्से में आता है, तो करके ये भी पूछ लिया जाता है कि पुल्लिकट झील किस में, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, आंध्र प्रदेश है, तो ये मैप में आंध्र प्रदेश है आपका। इसके सीएम मैंने आपको अभी पता है चंद्रबाबू नायडू है, ये फोटो में देख लीजिएगा। ये है राज्यपाल ईसल नरसिंह राव। हैदराबाद वर्तमान में राजधानी है, लेकिन 2 जून 2024 के बाद अमरावती जो है वो प्रस्तावित है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है, अच्छा इससे एक क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की समुद्र तट रेखा जो है वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है, 1100 किलोमीटर। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा पहले नंबर पे किस राज्य की सबसे ज़्यादा समुद्र तट रेखा है और कितने किलोमीटर है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2019 को सरकारी रोजगार और सरकारी शिक्षा संस्थानों में सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किस राज्य मंत्रिमंडल ने 10% कोटा को मंजूरी दी है? तो ये जो मंजूरी दी है वो असम राज्य ने दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है हमारा वो है सही। आपको याद हो तो सबसे पहले ये मंजूरी देने वाला राज्य था वो था गुजरात, और अब जो बन गया है वो असम बन गया है 10% कोटा को मंजूरी देने वाला। अच्छा, असम ने दी है, तो ये मैप में देखिएगा असम। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर, और असम के जो मुख्यमंत्री का नाम है सर्वानंद सोनोवाल। असम के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं, ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं। चलिए, इतना हमें इस क्वेश्चन से सीखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2019 को किस राज्य ने पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राज्य महोत्सव घोषित किया है? तो ये जो राज्य महोत्सव घोषित किया है आपका वो किया है अरुणाचल प्रदेश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है आपका वो सही है। यहाँ का ये जो पाके पागा, ये जो आपको पक्षी दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ के स्थानीय इस त्यौहार को राज्य महोत्सव घोषित कर दिया है अरुणाचल प्रदेश ने। ये काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश ने किया है, तो ये मैप में देखिएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राजधानी ईटानगर और राज्यपाल बीडी मिश्रा। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म 72 आवर्स शहीद हु नेवर डेड की रिलीज की अनुमति दी है, जो 1962 के भारतीय युद्ध नायक राइफलमैन के जीवन पर निर्धारित है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका जसवंत सिंह रावत, और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है आपका सही है। जसवंत सिंह रावत जो है ये बेसिकली 1962 भारत और चीन का उस टाइम में युद्ध हुआ था, और इस भारत और चीन के युद्ध में इन्होंने बेसिकली गढ़वाल राइफल्स में भारतीय सेना के सिपाही के रूप में काम किया था, और इनकी पूरी जो चौथी बटालियन थी उस टाइम पे ये सेवा कर रहे थे चौथी बटालियन में, उनके बारे में जो इन्होंने युद्ध लड़ा है, जैसा इन्होंने काम किया है, वो इस पूरा फिल्म में दिखाया गया है।
तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने किया है, तो दिल्ली के बारे में हम जानते ही हैं, दिल्ली भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, वो भी आप याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश में। अच्छा, जसवंत सिंह रावत है, तो ये फोटो में देखिएगा, यही है जसवंत सिंह रावत, और इन्हीं के बारे में ही सब कुछ अब ये बताया जाएगा। गढ़वाल राइफल्स के अंदर थे ये पूरा इनका स्तंभ भी है, शहीद हैं ये, उत्तराखंड की शहीद की शौर्य गाथा देखेगी दुनिया। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू यानी कि बुल टैमिंग इवेंट में आयोजित कहाँ आयोजित किया गया है, जिसने 20 जनवरी 2019 को खेल के मैदान में जारी किए गए बैलों की अधिकतम संख्या के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। जल्लीकट्टू जो त्यौहार है ये तमिलनाडु राज्य का है, तमिलनाडु राज्य का एक परंपरागत कार्यक्रम है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है आपका वो सही है। पुदुकोटई तमिलनाडु में ये हुआ है, और यहाँ पे इस बार 1354 सांडों ने, 1354 बैल थे इसके अंदर, और 424 लोग थे, इतने लोगों ने एक साथ ये गेम खेल के ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वो याद रखिएगा। अच्छा, ये गेम होता क्या है? ये गेम ऐसे है, कुछ होता है कि जिसके अंदर गांव में जितने भी बूढ़े बैल होते हैं उनमें से 3 बैलों को छोड़ दिया जाता है, बाकी बैलों को इस खेमे में शामिल कर देते हैं, और उनके ऐसे सींगों के बीच में कुछ सिक्का भरा थैला बांध देते हैं, जो इसको काबू में पाके और ये सिक्का खो भरा थैला खोल लेता है वही जीत जाता है। तो काफ़ी जानलेवा है, बहुत सारे लोग इसमें घायल भी होते हैं, बैल भी घायल होते हैं, ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इस पर रोक भी लगा दी थी, लेकिन स्थानीय लोगों की वजह से दोबारा इसके रोक हटानी भी पड़ी थी। तो अब तमिलनाडु की बात आई है, तो ये मैप में देखिएगा आप तमिलनाडु, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री का नाम है इड्डापड्डी के प्लानी स्वामी, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित है, इतना हमें इस क्वेश्चन से सीखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, रघुवीर सिंह भोला का 22 जनवरी 2019 को निधन हो गया है, वह एक थे, तो ये एक हॉकी प्लेयर थे, और इस क्वेश्चन का हमारा सी जो ऑप्शन है वो सही होगा, हॉकी प्लेयर थे और इनका निधन हो गया है, जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही हैं रघुवीर सिंह भोला, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।